हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिनेश सराइटी। मध्य प्रदेश की दोस्तों एक और नई भर्ती के संबंध में अपडेट हम लेकर आ चुके हैं। यहाँ पर आपकी जो भर्ती रहने वाली दोस्तों पशु सेवा केंद्र में दोस्तों भर्ती यहाँ पर निकाली गई 24 के लिए। तहसील स्तर पर दोस्तों ये भर्ती रहने वाली है और नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी कर दी गया है। इसमें जो पद रहने वाले यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ठीक है। योग्यता क्या मांगे, ये 10वीं 12वीं स्नातक, सैलरी आपकी 22,000 से 31,000 तक। अब मेन बात ये होने वाली है कि सर ये जो वैकेंसी निकाली गई है, नोटिस यहाँ पर निकाला गया है, सभी ने वीडियो बना दिए हैं, तो क्या ये फेक है या रियल है कि हम आवेदन कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको मैं 5 कारण बताऊंगा कि इस तरह ये फेक है अथवा रियल है, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं पहले पोर्टल पर। देखिए सबसे पहले आपको आ जाना है पोर्टल पर। यहाँ पे आपको लिखना है BPNL, सर्च करोगे। जैसे ही आप लोग सर्च करोगे फर्स्ट लिंक आपके सामने आ जाएगी, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे इसका जो होम पेज है वो हमारे सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगा। हमको यहाँ पर दिख रही होगी वेबसाइट, ठीक है। आप लोग चाहो तो यहाँ वेबसाइट विजिट की जा सकते हो इंटर करने के लिए। हम करना है अप्लाई पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही आप लोग अप्लाई पर क्लिक करोगे दोस्तों यहाँ पर इसके सामने हमारे सामने एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, और इसके पश्चात यहाँ पर नोटिफिकेशन आ चुका है, इस पर हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है अप्लाई करने का लिंक दिया है और PDF आप लोग यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं अप्लाई के लिंक पर, ठीक है। जैसे ही क्लिक करूंगा इसका जो होम पेज है अप्लाई करने का वो दोस्तों मेरे सामने यहाँ पर आ चुका है। यहाँ से दोस्तों आप लोग पद को सिलेक्ट करोगे, किस पद के लिए आप लोग आवेदन करोगे। यहाँ से ये पूरा यहाँ पर रहने वाला फीस आ गया, ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन आ गई, ठीक है। तो ये आपको भरना पड़ेगा, इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ, ठीक है। मैंने बात अब हम चलिए चलते हैं दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं। दोस्तों पहले हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में। देखिए आपकी जो भर्ती है विपणन विभाग भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड की दौर से निकाली, मतलब प्राइवेट ही रहने वाली, ठीक है। दूसरा यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ देखिए कि निगम की डेयरी फार्मिंग, बकरी फार्मिंग, मुर्गी फार्मिंग योजना को संपूर्ण देश में बढ़ावा देने के लिए ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर और पंचायत स्तर पर दोस्तों यहाँ पे भर्ती यहाँ पे की जा रही, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे बता दिया। आवेदन कहाँ से करना है, तो इन्होंने बताया कि भाई जो आवेदन है इनकी वेबसाइट से आपको करना पड़ेंगे, ठीक है। कितने पद निकाले गए हैं वो देख लो दोस्तों। देखिए यहाँ पर जो पद है फार्मिंग प्रबंधक अधिकारी के 250 पद है, 31,000 सैलरी देने वाली है। फार्मिंग विकास अधिकारी 1,250 पद है, 28,000 सैलरी देने वाली है। फार्मिंग प्रेरक के 3,750 पद है, 22,000 सैलरी देने वाली, ठीक है। इसके पश्चात आप लोग यहाँ पर आओगे शैक्षणिक योग्यता देख लो। तो देखिए यहाँ पर मैं बताऊँ शैक्षणिक योग्यता की बात कर लेता हूँ मैं। देखिए हम बात कर लेते हैं योग्यता की। तो देखिए यहाँ पर जो फार्मिंग प्रबंधक अधिकारी है इसमें ओनली स्नातक पास मांगा हुआ है। फार्मिंग विकास अधिकारी में 12वीं पास मांगा हुआ है। फार्मिंग प्रेरक में 10वीं पास मांगा हुआ है, ठीक है। इसके पश्चात अन्य योग्यता में क्या हुआ है, तो यहाँ पर आप उम्मीदवार मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और उसका चरित्र आपका उसका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर एज की मैं बात कर लेता हूँ, तो देखिए यहाँ पर 25 से 45 एज है और फार्मिंग विकास अधिकारी में 21 से 40 है। फार्मिंग प्रेरक में 18 से 40 वर्ष ए रखी गई है, ठीक है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आवेदन, तो देखिए 2 जून लास्ट डेट रहने वाली, मतलब आप लोग 2 जून तक यहाँ पे आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए सैलरी की बात करूँ तो इसके पहले हम देख लेते हैं इसकी शुल्क की। तो देखिए यहाँ पे आपकी फार्मिंग प्रबंध अधिकारी की सभी वर्गों के लिए 944 रुपये लगने वाली है। विकास अधिकारी में 826, फार्मिंग प्रेरक में 708 रुपये लगने वाली यहाँ पर, ठीक है। बाकी आपको क्या काम करना पड़ेगा, तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे काम आपका दिया हुआ है, ठीक है। चयन कैसे होगा दोस्तों, देखिए चयन आपका होगा लिखित होगा, MQ होंगे आपके, फिर आपका होगा इंटरव्यू, ठीक है। दो प्रकार से आपका यहाँ पर होने वाला है। अब यहाँ पर देख लो तो क्या क्वेश्चन आने वाला है लिखित में। देखिए फार्मिंग प्रबंधक का सभी का 50-50 रहने वाला लिखित और 50-50 का रहेगा आपका इंटरव्यू, ठीक है। यानी आपका रहेगा 100 नंबर का यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। और आपको लिए परीक्षा और इंटरव्यू में आपको 50 अंक लाना पड़ेंगे परसेंटेज, ठीक है। 50-50% आपको लाना पड़ेंगे, ठीक है। परीक्षा कहाँ होगी दोस्तों, देखिए परीक्षा उन्होंने बताइए निगम द्वारा परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से ली जाएगी। परीक्षा कंप्यूटर सेंटर, साइबर कैफे, लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल के माध्यम से आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। कोई भी यहाँ पर परीक्षा केंद्र नहीं है, कोई प्रवेश पत्र यहाँ पर जारी नहीं किया जाएगा। आपकी ईमेल आईडी पर मैसेज भेज जाएगा, उसके माध्यम से आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। आवेदन में क्या क्या लगने वाले हैं, तो दोस्तों यहाँ पर ये आपके लगने वाले डॉक्यूमेंट, ठीक है, यहाँ पर बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर देखिए आपका जो सिलेबस रहेगा इसमें, तो देखिए सिलेबस ये रहेगा यहाँ पर दिया ऑनलाइन वाला सिलेबस आपका ये रहने वाला है, ठीक है। जिसमें हिंदी, अंग्रेजी में गणित, ठीक है, तार्किक क्षमता, दैनिक विज्ञान, कंप्यूटर की नॉलेज यहाँ पर दी हुई, ठीक है। 30 मिनट का आपको यहाँ पर टाइम यहाँ पर मिलने वाला है। और सभी का सिलेबस में देखिए हिंदी में क्या आएगा, इंग्लिश में क्या आएगा, गणित में क्या आने वाला है, ठीक है, और तार्किक क्षमता में क्या आने वाला है, दैनिक जीवन में क्या आने वाला है, ये उन्होंने बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पर दिए थे, यहाँ पर बता दिया उन्होंने 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन रहने वाले हैं, 30 मिनट का टाइम मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पे आपको रिपोर्ट टाइम 15 दिन 15 मिनट पहले आपको एग्जाम खोल लेना मोबाइल पर, वही क्वेश्चन 1 मार्क रहने वाला है।
अब दोस्तों मेन बात ये होने वाली कि ये फेक किस प्रकार है। देखिए दोस्तों बता दूं मैं आप लोगों के लिए, पहली बात तो आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों इसका जो पेज है ना, ये जो पेज है वाटरमार्क वाला, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब भी ऑफिशियल वेबसाइट कोई निकलती है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है, तो एकदम ब्लैंक पेज होता है, ना कि ये कलर में होता है। पहली कंडीशन ये रहने वाली। दूसरी दोस्तों क्या रहने वाली है, दूसरी दोस्तों आपको पता है कि जो फीस है वो 900 रुपये है, 800 रुपये है, ये फीस भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये। तीसरी कंडीशन दोस्तों यहाँ पर क्या रहने वाली है, आपने देखा होगा दोस्तों जब भी कोई एग्जाम होता है उसके एग्जाम सेंटर होते हैं, ठीक है, बाकायदा एडमिट कार्ड आते हैं। चूंकि इसके ना ही कोई एग्जाम सेंटर है ना ही कोई एडमिट कार्ड आ रहा है, आपको मोबाइल बताया कि भाई लिंक भेजेंगे हम करेंगे, ठीक है। तीसरा दोस्तों मेन कारण क्या रहने वाला है, आपकी इसकी वेबसाइट में गया तो कोई भी इसकी जो वेबसाइट दोस्तों ऑफिशियल, ये वेबसाइट यहाँ पर नहीं रहने वाली है, ठीक है, ये वेबसाइट ऑफिशियल नहीं है, वो पूरे भारत की दोस्तों ये वैकेंसी रहने वाली है। तो जो मध्य प्रदेश की युवा है दोस्तों वो देख लें, आवेदन आप लोग ना करें, अन्यथा आपका जो पेमेंट है वो चला जाएगा, मतलब आपकी फीस चली जाएगी, ठीक है। ऐसी कोई अभी तक भर्ती नहीं आई है, इस संबंध में बहुत सी वीडियो बन चुकी हैं, तो आप लोग सतर्क रहें, हमसे जुड़े रहें, ताकि आपको जानकारी यहाँ पर मिलती जाए। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू।